जनवरी 2023 से मई 2023 तक 5 माह के दौरान प्रदेश में करीब 5,610 महिलाओं के लापता होने की जानकारी मैंने सामने लाई थी, लेकिन जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन 5 महीनों में 19,553 लड़कियां और महिलाएं लापता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य सरकार के इस गंभीर मामले पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने सदन में कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश स्तर पर गौर करें तो महिला हिंसा के मामले में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। साथ ही 23 जनवरी से मई 2023 तक 5 महीनों के दौरान महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में 9.57% की बढ़ोतरी हुई है। ये मामला राज्य की बुराई के साथ बेहद गंभीर है। इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने से राज्य में महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। अनिल देशमुख ने राय व्यक्त की कि गृह विभाग के माध्यम से इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मुली आणि महिला महाराष्ट्र मध्ये बेपत्ता असल्याबद्दल एक अतिशय महत्वाची आणि जो आकडा समोर आलेला आहे अतिशय धक्कादायक आहे की महाराष्ट्रामध्ये जानेवारी 23 ते मे 23 पर्यंत 5 महिन्यात 19,533 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत। 19,533 मी जेव्हा मागच्या आठवड्यामध्ये माहिती दिली होती त्यावेळी माझ्याकडे 6,510 आकडा होता, पण आता शासनाच्या माध्यमातूनच जो आकडा पुढे आला आहे की महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 5 महिन्यामध्ये जानेवारी ते मे मध्ये 19,533 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या अतिशय धक्कादायक माहिती आहे अध्यक्ष महोदय। याच्या बाबतीत गृह विभागाने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे आणि कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे आणि सदनाला सुद्धा याची माहिती दिली पाहिजे। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।